सभी को सादर जय गौ माता। आप सभी दर्शन कर रहे हैं श्री राघव गौधाम के पूज्य गौवंश के। श्री राघव गौधाम गौशाला समिति का निरंतर प्रयास रहता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग गौ सेवा के प्रति जागरूक हों, गौवंश का संरक्षण हो और गौवंश बचे, क्योंकि जो हमारे इस सनातन धर्म की अनमोल धरोहर है वो हमारी पूज्य गौ माता ही है। जैसा कि हमारे वेद पुराणों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मात्रा मात्रा सर्वभूताना गावा सर्व सुखप्रदा, अर्थात गौ माता समस्त भूतों की माता तथा सब सुख प्रदान करने वाली हैं। और वर्तमान में उन्हीं गौ माता की दयनीय स्थिति देखकर बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। और हमारे महाभारत आदि ग्रंथों में बताया गया है कि जो हमारा बैल है अर्थात जो हमारा नंदी है वो धर्म का स्वरूप है, और ऐसे धर्म के स्वरूप के लोग डंडे मार रहे हैं, लाठी मार रहे हैं, ऐसा धर्म का स्वरूप रोड पे रोड एक्सीडेंट से तड़प रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों के मुंह का निवाला बन रहा है, अर्थात जो सरकारी गौशालाएं हैं, जो अन्न व्यवस्थाएं हैं, उनमें ऐसे नंदी या गौवंश का आने वाला भूसा दाना चूनी चोकर सब अधिकारी खा रहे हैं, गौवंश भूख प्यास से तड़प कर मर रहा है, लोग गौ माता की उपयोगिता नहीं जानते हैं। इसका मुख्यतः कारण जो है वो यही है कि लोग गौ माता की उपयोगिता नहीं जानते हैं, लोगों को अब नहीं पता है। इतनी ज़्यादा लोगों को आधुनिक सुविधाएं मिलने लगी, व्यवस्थाएं मिलने लगी, उनके लिए गौ माता एक भार स्वरूप हो गई। जबकि अगर हकीकत में हम लोग देखें, और हम लोग भगवान को तो मानते ही हैं, जो भी हिंदुस्तान के हैं, सनातनी हैं, जो भी लोग हैं ईश्वर को मानते हैं, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, सभी लोग मानते हैं। और आज तक मैंने सनातन धर्म को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि सनातन धर्म की तो आराध्य पूज्य गौ माता है, लेकिन जो अन्य धर्म भी हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तमाम सारे धर्म हैं, उन धर्मों में भी आज तक मैंने कहीं पर ऐसा उल्लेख नहीं पढ़ा है जिसमें जीवों के प्रति क्रूरता का भाव हो या किसी के प्रति भी क्रूरता का भाव हो, बल्कि सभी धर्मों में गौ माता के लिए तो सम्मान के लिए ही बोला गया है। और ऐसी स्थिति में भी लोग गौ माता की उपयोगिता नहीं समझ पा रहे हैं। नारायण ने हमें कामधेनु क्यों दी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे समुद्र मंथन से जो रत्न निकले, उनमें से एक रत्न हमारी कामधेनु मैया भी है। और कामधेनु का सीधा सा अर्थ है जो हमारी कामनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, या एक जो परिवार की व्यवस्था है उनका पूर्ण संचालन करना हमारी पूज्य गौ माता को बहुत अच्छे से आता है, और भरपूर मात्रा में गौ माता कर भी लेती है। मेरा दावा है 5 लोगों का एक परिवार हो और उस परिवार में पूज्य वेद लक्षणा देसी भारतीय नस्ल की विशुद्ध गौ माता हो, और उन गौ माता के माध्यम से 5 लोगों के परिवार का जीवन यापन बहुत ही सुलभ तरीके से और आरामदायक तरीके से होगा। वो चाहे आध्यात्मिक हो, वैज्ञानिक हो, व्यवहारिक हो, हर तरीके से पूज्य गौ माता उस घर और परिवार को पोषण प्रदान करती है। तो मेरा निरंतर सभी से यही आग्रह रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा गौवंश को बचाएं। अभी जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, श्री राघव गोवर्धन गौशाला समिति जो सिवली कानपुर देहात उत्तर प्रदेश में स्थापित है, यहाँ पे आप जो भी निर्माण देख रहे हैं ये कोई भी सरकारी सहयोग या व्यवस्था के द्वारा नहीं है, सिर्फ दानदाताओं के सहयोग से है और एक मेरे छोटे से प्रयास से। और अभी मेरी एज भी 19 अगस्त 2000 हमारी डेट ऑफ बर्थ है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं एज भी कम है, लोगों के सहयोग से बहुत ज़्यादा गौवंशों की सेवा हो पा रही है, 200 से अधिक गौवंश संरक्षित हैं। जब हम 200 से अधिक गौवंश की सेवा कर सकते हैं उनकी कृपा से, तो क्या लोग एक एक दो दो गौवंश की सेवा नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। अगर सभी लोग अपने अपने स्तर पर पूज्य गौवंश को समझें, उनकी सेवा का दायित्व लें, तो गौवंश कम पड़ जाएगा और लोग ज़्यादा होंगे। अगर एक आंकड़े के तहत 2018 के एक आंकड़े के तहत 10 लोगों के बीच में भी एक गौवंश नहीं आ रहा है, तो तुम लोग कैसे सनातनी हो जो अपनी माँ को ही रोड पे ठोकर खाने के लिए छोड़ रहे हो, अपनी गौ माता को ही तिरस्कृत कर रहे हो। जब माँ तिरस्कृत होगी तो पुत्र का क्या हाल होगा। जैसे वर्तमान में लंपी नामक वायरस है जो बहुत तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है गौवंश में, राजस्थान हरियाणा आदि जन स्टेटों में बहुत तेज़ी से है, अभी यूपी वगैरह में भी आ चुका है। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गौ माता की महिमा को समझने की ज़रूरत है, गौवंश की सेवा की आवश्यकता है। तो सभी से मेरा अनुरोध है पूज्य गौवंश की सेवा से जुड़ें, गौ माता की सेवा करें, अपने अपने स्तर से करें। आप किसी भी लेवल से कर सकते हैं, अगर आपके घर पे जगह है तो आप कम से कम एक तो गौवंश रख ही सकते हैं। अगर आपके घर पे जगह नहीं है, कई लोग कहते हैं कि हमारे घर पे जगह नहीं है,
ऐसी स्थिति में आप किसी नजदीकी गौशाला या जहाँ पे अच्छी सेवा हो रही हो वहाँ पे भी एक गौ माता को गोद ले सकते हैं, अर्थात आप अपने द्वारा उनकी पूरी सेवा देकर भूसे दाना चूनी चोकर की जो भी है पूरी सेवा देकर अपने माध्यम से उस गौवंश की सेवा कर सकते हैं। अगर आप सरकारी अधिकारी हैं तो अधिकारी होने के नाते आपके जो दायित्व हैं उन दायित्वों के अंतर्गत गौ माता की सेवा किसी न किसी रूप में कर सकते हैं। देखिए अगर किसी चीज़ का आप एक तो वो निकालते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं एक वो बहाना होता है कि नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, जब आप ई फॉरवर्ड करते हैं किसी भी चीज़ में तो वो चीज़ नहीं हो पाती, और जब आप करने के लिए करते हैं तो सब कुछ होता है। जैसे आपके घर की माँ बीमार हो तो क्या आप इलाज नहीं करवाएंगे, पूर्ण इलाज करवाते हैं, वो चाहे दिल्ली एम्स में हो, मेदांता में हो, या किसी भी विश्व के किसी भी कोने में हो आप इलाज करवाते हैं। तो जब आप अपनी जननी माता के इलाज करवा सकते हैं तो जो हमारी जगत जननी है जिनको हमारे वेद पुराणों ने जगत जननी कामधेनु गौ माता कहा है, तो क्या उनको आप जरा सा चारा नहीं डाल सकते हैं? महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाकर बचाया, संस्कृत बचाई अपनी, आप गौ माता को घास डाल के संस्कृत नहीं बचा सकते हैं। तो सभी से अनुरोध है कृपया गौवंश ज़्यादा से ज़्यादा गौवंश की सेवा से जुड़ें, गौ माता की महत्व को समझें, उपयोगिता को समझें, किसी भी रूप में समझें। आप वैज्ञानिक रूप से भी गौ माता को समझ सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से भी समझ सकते हैं। गौ माता की महिमा भरी पड़ी है, हम कहाँ तक कहें हम कह नहीं सकते क्योंकि उतनी हमें सामर्थ्य नहीं है गौ माता की। अगर हम अपने चारों वेदों की बात करें, चारों वेदों में टोटल गौ माता की महिमा ही भरी पड़ी है। छह शास्त्र हैं हमारे, छहों शास्त्रों में गौ माता की महिमा है। 108 उपनिषद, सभी उपनिषदों में गौ माता की महिमा है। अब गौ माता की महिमा के लिए तो एक स्पेशल उपनिषद भी है, गावो उपनिषद, आप जाके देख लीजिए। उस उपनिषद में सिर्फ और सिर्फ गौ माता की महिमा भरी पड़ी है। तो आज जब आप प्रभु श्री राम को मान रहे हैं, श्री कृष्ण जी को मान रहे हैं, प्रभु के विभिन्न अवतारों को मान रहे हैं, जिन अवतारों को आपने देखा नहीं है, कदाचित आपने किसी भी अवतार को नहीं देखा है, फिर भी आप मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं? क्योंकि आपके जो पूर्वज थे उन्होंने बताया आपको, आपके जो गुरु थे उन्होंने आपको बताया, आपको जो आप सनातन संस्कृत में जन्मे उसमें आपको सनातन संस्कृत में बताया गया कि हमारे प्रभु श्री राम है, ये हमारी सीता मैया है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है, आपको लीलाएं बताई गई, आपने कहीं ना कहीं वेद पुराणों का अध्ययन किया, आपने कुछ ना कुछ तो अध्ययन किया ही, हर घर में संभवतः कुछ ऐसे पुराण या रहते ही हैं जिनका अध्ययन होता है व्यक्ति को। तो जब आपने उनका अध्ययन किया तो गौ माता के क्यों नहीं किया? गौ माता के बिना तो कोई नहीं है। अगर हम राम जी की बात करें तो प्रभु श्री राम जी के विवाह में भी गौ माता का अहम रोल रहा। प्रभु श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का जब अवतार हुआ है तब भी गौ माता का विशेष रोल रहा। अब जाके गौ माता की महिमा पढ़ सकते हैं। राजा दिलीप जिनसे रघुकुल चला, आगे चल के प्रभु श्री राम हुए। और कृष्ण जी की बात करें तो कृष्ण जी बाल्यावस्था में ही गौ माता का गौचारण करते थे और गौ माता का मक्खन इतना ज़्यादा प्रिय था कि वो छुपके भी मक्खन जीनते थे, खाते प्रयोग करते थे और प्रसादी पाते थे गौ माता के मक्खन की, और गौ माता के पीछे पीछे चलते थे। गौ धूली बेला एक ऐसी बेला है जिसके बिना कोई भी शुभ अनुष्ठान या कार्य संभव ही नहीं हो सकता है। जो भी हमारे महान ऋषि मुनि होते थे वो कुछ भी विशेष करना होता था तो गौ धूली बेला में ही करते थे। तो ऐसी गौ माता जिसकी महिमा भरी पड़ी है, वो गौ माता की जो संख्या है वो निरंतर घट रही है, बहुत तेजी से गौवंश की संख्या घट रही है, और हमारी जो भारतीय देसी वेद लक्षणा गाय की नस्ल है वो भी बहुत तेज़ी से विलुप्त हो रही हैं और विलुप्त होने की कगार पे हैं। और एक हम और आपको बोलना चाहेंगे कि अगर जैसे मेरी माँ है, जैसे मेरी माँ है, माँ अगर कष्ट में रहेगी तो माँ के बाद बेटे का कष्ट में होना स्वाभाविक है, अर्थात हमारे वेद पुराणों ने कहा है गावो विश्वस्य मात्रा, अर्थात गौ माता पूरे विश्व की माता है, अगर हम गौ माता को पीड़ा देंगे तो मेरा क्या हाल होगा। और एग्जाम्पल के तौर पे कोरोना जैसी बहुत सारी महामारियां हैं जिनको आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। इसलिए सभी से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता की सेवा करें और पूज्य गौवंश को बचाएं। सभी को सादर जय गौ माता। श्री राघव गोधाम की सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एवं घंटी के बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें।